जिहड़ा कर्जा लिया होया सीगा उहदा प्रिंसीपल अमाउंट जिहड़ा मोड़िया सी 6349 करोड़ रुपया जिहड़ा असी वापस किया 12339 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा कर्जा ते प्रिंसीपल अमाउंट ते इंटरस्ट जिहड़ा हैगा वो पंजाब सरकार ने इन्हां 5 महीनों के वापस किया गया जिहड़ा कि सरकार ने लिया होया सीगा। यानी कि कर्जे नालों जिन्ना कर्जा लिया उहदे नाल वध असी इन्हां 5 महीनों के रीपे करता वापस करता। मई जून जुलाई अगस्त की गल करां तो लगभग 2166 करोड़ रुपया 2021 दे विच पुरानी सरकार नूं प्राप्त होया सीगा। पंजाब सरकार नूं आम आदमी पार्टी की सरकार बने नूं लगभग पूरे 5 महीनों का समा हो चुकिया। अज 5 महीने पूरे हो चुके नेगे क्योंकि 13 मार्च नूं सरकार 16 मार्च नूं सरकार जिहड़ी आ उह होंद विच आई सी और उस तों बाद लगातार सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब दे बाहर मुख्यमंत्री पंजाबियों दे हक विच पंजाब दे लोकां दे हक विच लगातार बड़े इतिहासिक फैसले लै रहे हन क्योंकि मैनू मान साहब ने पंजाब दा फाइनांस मिनिस्टर बनाया। एक्साइज एंड टैक्सेशन प्लानिंग मेरे कोले आ। असी अपने अपने डिपार्टमेंट्स दा रिपोर्ट कार्ड 5 महीनों दे विच सरकार ने बड़े हुण तक किन्ने काम किए ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने किन्ने हुण तक काम किए ने उस संबंधी तुहाडे नाल चर्चा करांगे। सरकार आउण तों बाद जेकर मैं पंजाब दे वित्त की गल करां पंजाब दे फाइनांस की गल करां पंजाब उत्ते सब तो पहला मैं कर्जे की गल करूंगा। सरकार बनन तो बाद जिहड़ा प्रिंसीपल जिहड़ा कर्जा लिया होया सीगा उहदा प्रिंसीपल अमाउंट जिहड़ा मोड़िया सी 6349 करोड़ रुपया जिहड़ा असी वापस किया इहदे नाल ही जिहड़ा इंटरस्ट सीगा जिहड़ा ब्याज सीगा उह 6999 रुपए 6000 करोड़ रुपया लगभग 6000 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा उह बीइंग इंटरस्ट जिहड़ा लोन लिया होया कर्जा लिया होया उहदा इंटरस्ट रीपे किया गया। सो कुल 12339 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा कर्जा ते प्रिंसीपल अमाउंट ते इंटरस्ट जिहड़ा हैगा उह पंजाब सरकार ने इन्हां 5 महीनों के वापस किया गया जिहड़ा कि सरकार ने लिया होया सीगा। इसे तरह जिहड़ा डेट असी रेज किया जिहड़ा असी कर्जा लिया वापस असी किया 12339 करोड़ रुपया कर्जा लिया असी 10729 करोड़ रुपया। यानी कि कर्जे नालों जिन्ना कर्जा लिया उहदे नाल वध असी इन्हां 5 महीनों के रीपे करता वापस करता। और बड़ा मैनू दसदे आ बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार होयागा जिहड़े असी टीचे विदिन मिथे सीगे इस बजट दे विच मिथे सीगे वह टीचे जिहड़े असी लगभग उन्हां नूं मीट कर रहे हां वह टीचियां नूं असी अचीव कर रहे हांगे। असी जीएसटी दी कलैक्शन दे विच असी टीचा रख्या सीगा कि 27% की ग्रोथ जिहड़ी आ वह बजट दे विच कीती सी कि असी 27% की ग्रोथ जिहड़ी आ करांगे। असी बिल्कुल पारदर्शी ढंग दे नाल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दे नाल तुहानूं दस रहेंगे कि 24.15% जिहड़ा वाधा वह हुण तक इन्हां 5 महीनों दौरान असी जीएसटी जिहड़ा कलैक्शन दे विच कीता गा 24.15% जिहड़ा हैगा उहदी कलैक्शन पहलां नालों पिछले साल नालों जिहड़ी आ उह वधी हैगी। पहलां टोटल जिहड़ा हैगा 2021 दे विच अप्रैल मई जून जुलाई दे विच लगभग 5834 करोड़ रुपया जिहड़ा उह रिसीव होया सीगा। 2022 दे विच इही अप्रैल मई जून जुलाई 7243 करोड़ रुपया जिहड़ा रिसीव किया गया ग्रोथ किन्ने पैसों की हुई आ 1400
9 करोड़ रुपए की जिहड़ी आ एक रिकॉर्ड वाधा इन्हां पंजां महीनियां च होया गा, यानी कि GST की कलैक्शन जिहड़ा टैक्स उहदे च वड्डा वाधा होया गा और 24.15% असी जिहड़ा हुण तक अचीव कर चुके हां, जबकि असी 27% का 27% का असी जदों पंजाब विधानसभा के अंदर पंजाब सरकार वल्लों बजट पेश होया सीगा तां उस समय असी 27% का जिक्र किया सीगा, साडे टारगेट सीगा वह 27% उपर, लेकिन हजे तां क्योंकि तुहानू सारयां नू पता गा हजे फैसटिवल सीजन आने ने गे, हजे लोगों ने होर खरीदो फरोखत करनी आ, हजे लोगों ने होर इनवैसट करना गा, जिहड़ा पीक सीजन आ वह हजे आया नहीं, पर लेकिन असी उस तो पहला मिथे टारगेट के बिल्कुल नेड़े आगे कि 27 चो असी 24% जिहड़ा वह प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह दूजा जिहड़ा वड्डा कंपोनेंट सीगा जिहड़ा वड्डा टैक्स रिसीव करने वाला कंपोनेंट सीगा, जिहड़ा रेवेन्यू कलैक्ट करने वाला कंपोनेंट सीगा, वह सी पंजाब दी एक्साइज पॉलिसी, पंजाब दा एक्साइज डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट दे विच असी जिहड़ा टारगेट फिक्स किया सीगा वह 56% का टारगेट फिक्स किया सी बजट एसटीमेट जदों असी किया सीगा, और उहदे विच असी 43.47% जिहड़ा हैगा हुण तक असी वाधा रिकॉर्ड कर चुके हां, वाधा हो चुकिया गा। यही जे मैं फिगर पिछे जावां 2021 की मैं गल करा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त की गल करा तो लगभग 2166 करोड़ रुपया 2021 दे विच पुरानी सरकार नूं प्राप्त होया सीगा, और साडी सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह जिहड़ा टारगेट आ 2022 दे विच जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के बच्चे जिहड़ा हैगा 3108 करोड़ रुपये जिहड़ा हैगा मालिया हुण तक रेवेन्यू साइड तो वह असी वसूल किया गया, लगभग जिहड़ी ग्रोथ हुई हैगी वह 941 करोड़ रुपए की हुई आ, यानी कुल ला लईए आपां 43.47% एक वड्डा रिकॉर्ड इजाफा जिहड़ा उह साडी नवीं एक्साइज की पॉलिसी आउण दे कारण होया गा, नहीं पहला लगभग 15-20 साल तो एक प्रकार की पॉलिसी चली आ रही सीगी, और शराब दे विच कुछ जिहड़े शराब दे माफिया सी लोग उन्हां दा दबदबा सीगा, उस दबदबे नूं उस माफिए नूं बुरी तरह पंजाब चो तहस नहस करके खत्म करके पहली बार होया गया कि पिछले साल के मुकाबले एज कंपेयर टू लास्ट ईयर असी 43.47% का रिकॉर्ड वाधा किया गया। और इस तरह जे मैं गल करा कि सेंटर दे तो सानू किन्ना आया गा, सानू जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम ने गिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम ने गिया उहदे विचों सानू 703 करोड़ रुपए जिहड़े हैगे ने वह सानू सेंटर स्पॉन्स स्कीम तो सानू प्राप्त होए नेगे। और इस तरह जे मैं डिपार्टमेंट थोड़ा जिहा डिपार्टमेंटा की गल करूँ क्योंकि सारे डिपार्टमेंटा का डाटा बहुत बड़ा गा, जे मैं लगभग 10 डिपार्टमेंटा का तुहाडा डाटा शेयर करना चाहूँगा। कोआपरेशन जिन्हों अजकल साडे माननयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी कोआपरेशन महकमा देख रहे नेगे उन्हां दी योग अगवाई दे विच असी हुण तक जिहड़ा नवार्ड आ उहदा लोन पे करन दे लई नवार्ड बैंक का लोन पे करन दे लई कोआपरेशन जिहड़ा बैंक आ उहनूं 525 करोड़ रुपये एक बार दे चुके हैं। और इस तरह जिहड़े उन्हां दे इंपलाइज सीगे जिहड़े रिटायर्ड मुलाजम सीगे बैंक दे जिन्हां दी लिटिगेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची सी और पुरानी सरकार बुरी तरह हार चुकी सी सुप्रीम कोर्ट दे विच और मुलाजम जिहड़े सीगे उह संघर्ष दे राह सीगे उहनां नूं भी पहली बार होया गा कि सरकार ने 188 करोड़ रुपए की राहत जिहड़ी आ सी उह पंजाब सरकार ने उहनां मुलाजमां नूं दित्ती आ। इसे तरह जिहड़े शुगर केन फार्मर सीगे फार्मर का सहकारी बैंकां का गन्ने का बकाया जिहड़ा पिया सी पेंडिंग पिया सी पहली बार होया गा कि असी 200 करोड़ रुपए की 200 करोड़ रुपए जिहड़ा हैगा उहदी पेमेंट जिहड़ी आ उह किसानां नूं हो चुकी आ सरकार वल्लों जा चुकी आ। इसे तरह फूड सप्लाई डिपार्टमेंट दे विच पनसप
ਪੰਸਪ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਸਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਘਾਟੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 53,141 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25.75% ਦੀ ਯਾਨੀ 25% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35.06% ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਇਨ 5 ਮੰਥਸ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 35% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 35% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 35.6% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਜਟੀਮੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣਾ ਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ABP ਸੌਂਚਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।